अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल MAR टेक एंड वीलॉग्स। आज हम आपको विजिट करवाएंगे दो दरिया का, जो कि DHA फेज 8 में है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दो दरिया को दो दरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां तो सिर्फ समंदर ही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये दो दरिया जो नाम है, ये उर्दू में नहीं बल्कि फारसी में है। फारसी जुबान के लफ्ज दरिया का उर्दू में मतलब समंदर है, क्योंकि बंडल आइलैंड के दोनों अतराफ समंदर है, तो इसका दोनों साइड से समंदर होने की वजह से इसका नाम फारसी में दो दरिया पड़ा, जो कि जिसका मतलब है कि दोनों अतराफ समंदर। दो दरिया जाने के लिए हमें फेज 8 में से गुजरना पड़ता है। DHA का फेज 8 सबसे बड़ा, जदीद तरीन और वेल प्लान्ड है। यहाँ पे एक पार्क है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स पार्क, यानी कि नबीना अफराद के लिए बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग आए हुए। नाजरीन, ये है क्रीक विस्टा, जो कि कराची के टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में आता है लिविंग स्टाइल के हवाले से। ये बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से बहुत खूबसूरत है। ये कराची के टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में आता है क्रीक विस्टा। ये भी फेज 8 साले समंदर पे है। यहाँ पे प्लेग्राउंड्स भी हैं, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। रोड के साथ बिल्कुल फुटबॉल ग्राउंड है, ये यहाँ पे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल। लाइफस्टाइल के हवाले से कराची DHA बहुत ज़्यादा जदीद है, और DHA में फेज 8 सबसे ज़्यादा जदीद है लाइफस्टाइल के हवाले से। आप देख सकते हैं कि कराची के जो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में से एक क्रीक विस्टा जो है वो फेज 8 में। तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं दो दरिया। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज और लोग आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। ये बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, और इसके साथ पाकिस्तान की मशहूर फूड स्ट्रीट भी है। हर शाम बहुत सारे लोग यहाँ पर ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए आते हैं।
आज संडे है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोटिंग भी हो रही है। ये कुछ बोट्स हैं क्लब की, किसी यॉट क्लब की, और माहीगीर भी यहाँ पे हैं अपनी बोट्स के साथ। ये सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है ये बंडल आइलैंड है, इसके बारे में हमारे सबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। ये वो बंडल आइलैंड है जिसका वो जिक्र करते रहे। ये बोट आप देख रहे हैं, ये फेज़ 8 में मरीना क्लब है जिसमें बोटिंग होती है। उसमें जाके आप वहाँ पे जो मेम्बरशिप होती है वैसे भी कोई बुकिंग करवा सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे आपको मिल जाएगी। ये फैमिलीज़ के लिए आप बोटिंग जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। शाम होने वाली है तो शाम के बाद हम आपको कराची की इस मशहूर फूड स्ट्रीट का भी विज़िट करवाएंगे जो कि दो दरिया के बिल्कुल साथ है। ये दो दरिया के साथ बिल्कुल कबाब जी रेस्टोरेंट है और कुलाची रेस्टोरेंट है। ये इसका नाइट व्यू है, हम अभी इसके अंदर जाएंगे। ये पहला कबाब जी रेस्टोरेंट है, इसके हम अंदर जाएंगे। ये इसका सीटिंग एरिया है जो कि साहिल समुंदर के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे आप आके आने के बाद आपको जहाँ पे काउंटर पे जाके अपना टोकन लेना पड़ता है जो कि आपको एक नंबर देते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है। जब आप की बारी आए, टेबल खाली हो, तो फिर आप उठ के टेबल पर जाएंगे। उससे पहले आप वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। ये वेटिंग एरिया है, लोग वेट भी कर रहे हैं और साथ में अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है ये विज़िट करने के लिए, फैमिली के साथ खाना खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये किड्स प्लेइंग एरिया है, आप वेट के दौरान अपने बच्चों को यहाँ पे ले ला सकते हैं, वो खेल सकते हैं यहाँ पे। इसकी प्राइस है, फ्री नहीं है। ये वेटिंग एरिया है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।